एवरीवन वेलकम टू फिनोलॉजी लीगल तो आज की इस वीडियो में हम अप्रैल मंथ के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और इसके साथ ही इस वीडियो में कवर किए गए हर कैटेगरी के बाद आपसे मैं एक सवाल पूछूंगी जिसका जवाब आपको कमेंट करके देना है तो चलिए शुरू करते हैं पहली कैटेगरी है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की फर्स्ट डायरेक्टर सुभाष कुमार को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया सुभाष कुमार एक बहुत ही जाने-माने इंडस्ट्रियल वेटरन है, जिन्हें 36 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस भी है कई सारे डाइवर्स फील्ड्स में ये मानसरोवर एनर्जी कोलंबिया लिमिटेड में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ की पोस्ट पे भी काम कर चुके हैं दूसरा उर्जित पटेल को पांच साल के लिए ब्रिटानिया के एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है उर्जित पटेल कंपनीज एक्ट 2013 और सेबी रेगुलेशंस 2015 में दिए गए रूल्स के रिस्पेक्ट में सारे इंडिपेंडेंस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं इसलिए इन्हें कंपनी के एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किया गया है नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कैटेगरी के, के अंदर हाल ही में विराट कोहली को डिजिट इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है विराट के साथ साथ करीबन डेढ़ करोड़ इंडियंस अपनी कार बाइक हेल्थ और ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए डिजिट इंश्योरेंस पर स्विच कर गए हैं एंड इन फैक्ट डिजिट इंश्योरेंस की कस्टमर रेटिंग गूगल और फेसबुक में अगर देखे तो ऑलमोस्ट फाइव स्टार रेटिंग ही है जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को दर्शाता है अगला अमित बैनर्जी को भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किया गया है बेमी लिमिटेड एक इंडियन पीएसयू है, जो अर्थ मूविंग ट्रांसपोर्ट या माइनिंग के लिए भारी इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करता है अगला नीरज बजाज ने राहुल बजाज को रिप्लेस किया और बजाज ऑटो के चेयरमैन बने बजाज ऑटो इंडिया का लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनी है जो मोटर बाइक्स और थ्री व्हीलर्स की मैनुफेक्चरिंग करता है अब जल्दी से आप हमें कमेंट करके इस सवाल का जवाब दीजिए इनमें से कौन RBI के एक गवर्नर रह चुके हैं जिन्हें ब्रिटानिया का एडिशनल डायरेक्टर और आर बी आई के प्रेजेंट गवर्नर का नाम क्या है आपके ऑप्शंस हैं राजनाथ सिंह रघुराम राजन उर्जित पटेल और शक्तिकांत दास वीर आचार्य गीता गोपीनाथ या फिर इनमें से कोई भी नहीं बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ पहला है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में जिसे आइसलैंड ने टॉप किया और सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री रही अफगानिस्तान ये इंडेक्स 156 कंट्रीज को जेंडर गैप के बेसिस पे कंपेयर करता है जैसे कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हेल्थ और पॉलिटिकल लीडरशिप टाइप के फैक्टर्स को कंसिडर करता है इंडिया का रैंक इसमें वन है दूसरा फॉक्स एनुअल वर्ल्ड बिलियन एसे लिस्ट को रिलीज किया गया है जिसे जेफ बेजोस ने कंटीन्यूअसली चौथी बार टॉप किया मुकेश अंबानी ने इस लिस्ट में टेंथ पोजीशन को हासिल की जिनका नेटवर्थ यूएसडी 84.5 बिलियन है इस लिस्ट को टॉप करने वाले पांच बिलियन एसे हैं जेफ बेजोस एलन मस्क बर्नार्ड अरनॉल्ट बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग नेक्स्ट है

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ने ही टॉप किया है इंडिया ने इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में फोर्टी नाइन्थ ग्लोबल रैंक हासिल की इसे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट रिलीज करती है जो ये देखते हैं कि किसी रीजन में इंटरनेट किस हद तक एफर्डेबल और अवेलेबल होगा अगला वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में इंडिया ने वन फोर्टी सेकेंड रैंक हासिल की आउट ऑफ वन एटी कंट्रीज और इसे टॉप किया नॉर्वे ने वो भी पांचवी बार अगला चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स जिसे फिनलैंड ने टॉप किया है और इंडिया का रैंक है 49 आउट ऑफ 104 नेशंस ये इंडेक्स सात पिलर्स को ध्यान में रखकर बनाया जाता है लीडरशिप एंड फॉरसाइट स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस रॉबस्ट लॉज एंड पॉलिसीज अट्रैक्टिव मार्केट प्लेस फाइनेंशियल स्टुवर्डशिप हेल्पिंग पीपल राइज़ ग्लोबल इन्फ्लुएंस और रेपुटेशन अब आ जाते हैं क्विज पर तो हमें कमेंट करके बताइए कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स को इनमें से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पार्टनरशिप में रिलीज करती है ए फेसबुक बी टम्बलर सी पिंट्रेस्ट या फिर डी लिंकड फॉलोइंग कैटेगरी है इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की पहला एक्टर रजनीकांत को जल्द ही फिफ्टी फर्स्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलने वाला है 2019 में दिए गए उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए वो भी फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में ये ट्वेल्व साउथ इंडियन एक्टर होंगे जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा इस साल दादा साहेब फाल्के अवार्ड के, के ज्यूरी मेंबर्स हैं सिंगर आशा भोसले जी डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुभाष घई मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल म्यूजिक कंपोजर और सिंगर शंकर महादेवन और विश्वजीत चटर्जी दूसरा है लीलावती अवार्ड जिसका थीम था वुमेन एम्पावरमेंट और विनर्स को ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने 6 सब थीम्स के बेसिस पे सेलेक्ट किया है वुमेन ऑन्टोप्रेनरशिप सब टीम के विनर्स रहे स्वेट यानी सोना वुमेन ऑन्टोप्रेनरशिप एंड ट्रेनिंग फ्रॉम सोना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु वही सेल्फ डिफेंस सब टीम के विनर्स रहे परित्राणा फ्रॉम सेंट जोसेफ्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम तमिलनाडु और ऐसे ही बाकी के तीसरा रूमना सिन्हा सेगाल को नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया उनके ग्रीन प्रोडक्ट्स के लिए जो उन्होंने अलग अलग नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स की मदद से बनाया है अगला आंध्र प्रदेश गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंगा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया उनके लिटरेचर के फील्ड में दिए गए कॉन्ट्रीब्यूशन का के कारण नेक्स्ट अक्लेम्ड फिल्म मेकर गुनीत मोंगा को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ़ आर्ट्स एंड लेटर्स से नवाज़ा गया ये हाइस्ट सिविलियन फ्रेंच ऑनर है इसे पहले भी कई सारे इंडियन सेलिब्रिटीज ने जीता है जैसे कि शाहरुख खान ऐश्वर्या राय बच्चन अमिताभ बच्चन नंदिता दास पंडित हरिप्रसाद चौरसिया अनुराग कश्यप और कल्कि कोचलन जैसे एक्टर्स अब आते हैं हमारे सवाल पर हमें तो बताइए कि इनमें से किसे पहली बार दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था ए मधुबाला बी देविका रानी सी नूतन या फिर डी गीता बाली नेक्स्ट कैटेगरी है इंपॉर्टेंट इवेंट्स की सेकेंड अप्रैल को गुड फ्राइडे मनाया गया गुड फ्राइडे जीसस क्राइस्ट के क्रोसीफिकेशन और डेथ के कमोरेशन से डील करता है और यह क्रिश्चियन हॉलिडे भी माना जाता है अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया गया इसकी शुरुआत पहली हेल्थ असेंबली में हुई थी इन 1948 और ये इफेक्ट में आया 1950 में जिसका एक ही मेजर एम था अच्छी हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाना अगला बी आर अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे फोर्टीन अप्रैल को हर साल मनाया जाता है हमारे देश के संविधान की रचना बी आर अम्बेडकर ने की जिनका जन्म फोर्टीन अप्रैल को हुआ और उनकी याद में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है नेक्स्ट ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल को अर्थ डे मनाया गया जिसमें लोग एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए सपोर्ट प्रदर्शन करते हैं और टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का वर्ल्ड अर्थ डे इसकी फिफ्टी फर्स्ट एनिवर्सरी को मार्क करता है जिसका थीम है रिस्टोर आर अर्थ वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है अप्रैल 23 को ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि साल 1616 में ग्रेट लिटरेरी फिगर्स जैसे सर्वेंटिस शेक्सपियर और इनका गार्सिलासो डेला वेगा की डेथ हुई थी और इस दिन को इनकी डेथ एनिवर्सरी के तौर पे मनाया जाता है अब बारी आती है एक क्विक क्विज की जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएं इनमें से हर साल किस दिन वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाया जाता है आपके ऑप्शन है इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स की पहला है नितिन गोखले द्वारा ऑथर की गई मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ ये बुक मनोहर पारिकर के बारे में बताता है जो ना केवल एक पॉलिटिशियन थे बल्कि एक पैट्रिय भी दूसरा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उत्कल के श्री हरे कृष्णा महताब की उड़ीसा इतिहास के बारे में है इस बुक के हिंदी ट्रांसलेशन को पीएम नरेंद्र मोदी ने रिलीज किया ये बुक उड़ीसा के इतिहास को दर्शाता है सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी पे बेस्ड बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट मी को रिलीज किया गया जिसके को ऑथर्स है रैना और स्पोर्ट्स ऑथर भारत सुंदरेश चौथा जेके रावलिंग ने पहली चिल्ड्रन नॉवेल, क्रिसमस पिक को लिखा ये स्टोरी एक जैक नाम के लड़के और उसके डर पिक के इर्द गिर्द घूमती है जो क्रिसमस ईव पर खो जाती है अगला द लिविंग माउंटेन को अमिताभ घोष ने ऑथर किया अमिताभ घोष एक नानपित विनर है और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ऑथर भी इसमें पोर्ट्रे किया गया कि इंसान नेचर को किस तरह एक्सप्लोय करता है जिसके कारण हमारा एनवायरनमेंट इतना डीग्रेड होता जा रहा अब आ जाते पर, ट्रोवो के ट्रांसलेशन वाली बुक वेयर अबाउट्स को किस फेमस ऑथर ने लिखा है एम्पालाहिरी पी ली सी टोनी मॉरिसन या फिर डी रेल्फ एलिसन इसके बाद है स्पोर्ट्स कैटेगरी पहला विनेश फोगाट ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप को जीता पहले भी ये चार ब्रॉन्ज और तीन सिल्वर मेडल जीत चुकी है और अब की बार ये इनकी तीसरी गोल्ड मेडल है अगला मायामी ओपन के बारे में है जिसे मायामी मास्टर्स भी कहा जाता है इस साल ये टाइटल पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकाग्स ने जीता है नेक्स्ट मर्सिडीज स्टार हैमिल्टन ने ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की वो भी एट्थ वर्ल्ड टाइटल के लिए ये इनकी लाइफ का नाइन्टी सिक्स करियर विन है सेकेंड पोजीशन पे है मैक्स वर्स्टैपिन और थर्ड पे वी बोटास अनियोन मिथुन ने साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप में गोल्ड हासिल किया इन्होंने अपनी कंट्री को 70 के कैटेगरी में रिप्रेजेंट किया था और ये सदन इंडिया के पहले प्लेयर भी है अगला फीफा ने पीपीएफ यानी पाकिस्तान एंड शैड फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है किन्हीं बाहरी इंटरफेरेंस के कारण अब क्विज देख लेते हैं इनमें से कौन पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुके हैं जो हाल ही में थर्ड इंडियन मेल रेस्लर बने जिन्होंने सीनियर एशियन रेसलिंग सेवन के जी मेल फ्री स्टाइल टाइटल हासिल किया है ए विनेश फोगाट बी रवि कुमार दाहिया, सी दिव्या या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं अगली कैटेगरी है अप्रैल मंथ के इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की पहला प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम के बारे में है जिसके तहत गवर्नमेंट ने चौदह प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे दी है जो दो अलग कैटेगरीज को बिलोंग करती है ये अप्रूवल दी गई ताकि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआई और ड्रग इंटरमीडियरी यानी डीआई की मैन्युफैक्चरिंग चालू हो सके गवर्नमेंट ने पिछले साल ही इस 6,940 करोड़ पीएलआई स्कीम को चार सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया था यह है इनके नाम अगला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीबों के लिए बनाई गई एक फूड सिक्योरिटी स्कीम है जिसे कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक के दौरान गरीबों के फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया था इस स्कीम के तहत सेंटर ने मई और जून 2021 को गरीबों को मुफ्त में अनाज प्रोवाइड कराने का फैसला लिया है इसमें करीब करीब 80 करोड़ बेनिफिशियरीज होंगे हाल ही में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ई स्कीम का स्कोप बढ़ाया है ई यानी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जिसका स्कोप बढ़कर अब तीन लाख करोड़ हो गया है ये स्कीम इंडिया के सभी स्ट्रेस्ड आउट कंपनीज को रिलीफ प्रोवाइड करेगा जैसे कि टूरिज्म या स्पोर्ट्स सेक्टर में आ रहे सभी बिजनेस ऑन्टरप्राइजेस जो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं इस स्कीम ने अपना स्कोप बढ़ाकर हेल्थ सेक्टर को भी अपने अंदर ले लिया है अगला स्टार्टअप इंडिया सीट फंड स्कीम एस आई एस एफ एस को लॉन्च किया गया जिसका मेन एम है स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना इसे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने लॉन्च किया है फॉर 945 फोर्टी फाइव ये आने वाले चार सालों में तीन हजार सौ को सपोर्ट करेगा अब इस सवाल का आप जवाब दीजिए कि गवर्नमेंट ने इनमें से किस सिक्स थाउजेंड टू थर्टी एट करोड़ की स्कीम को अप्रूव किया है एयर कंडीशनर्स और एलईडी लाइट्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए ए पी एल आई बी एस आई एस एफ एस सी पी एम जन कल्याण योजना या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही करंट अफेयर्स पे और जानकारियां पाते रहने के लिए आप हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हैं और इसके साथ ही ऐसे ही और भी अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो में पूछे गए हर एक सवाल के जवाब को कमेंट जरूर कीजिएगा थैंक यू बाय